राजधानी पटना में तरेत मठ है, पटना शहर से 30 किलोमीटर आगे जो नौबतपुर के बीच में तरेत मठ है, वहाँ बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम होने वाला है। बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके कथा प्रवचन में अगर आपको शामिल होना है और उसके लिए आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वहाँ जाकर सेवा करें, तो आप तरेत मठ के जो कार्यकर्ता हैं, जो ये कथा होने वाला है बागेश्वर बाबा के धाम में, उस कथा के आयोजन मंडल के तरफ से ये सूचना जारी की गई है कि कोई भी शख्स जो इस कार्यक्रम में 13 से 17 मई तक जो आयोजन होने वाला है उसमें अगर आप सेवा भावना से जुड़ना चाहते हैं तो आप उसके मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए तरेत पाली मठ में जो कार्यालय बनाया गया है वहाँ पे आप अपने आधार पहचान पत्र के साथ फोटो लेकर जाइए और अपना एक आईडी प्रूफ बना लीजिए, जिसके बाद आपको विभिन्न कामों में लगाया जाएगा मठ के आयोजकों के द्वारा। साथ ही साथ 13 जो मई से कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है उसके ठीक पहले 12 मई से जो कलश यात्रा शुरू होगी, अगर आप उस कलश यात्रा में उपस्थित होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आयोजन करने वाले लोगों ने एक सूचना निकाली है। उस सूचना में साफ है कि कोई भी शख्स, खासतौर पर जो महिला हैं, उनके लिए है कि जो कलश यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वो 501 रुपये की जो नगद राशि है वो वहाँ पे जमा करें और फिर वो कलश यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, ये सूचना दी जा रही है। साथ ही साथ आयोजन के दौरान जो खाद्यान्न से जुड़े हुए सामग्री, जो कोई भी मदद के तौर पे, सहयोग के तौर पे वहाँ देना चाहता है, वो अपने इच्छा के अनुसार सहयोग के रूप में जो भी सामग्री देना चाहते हैं वो तरेत मठ कार्यालय में ले जाकर जमा करा सकते हैं। उसके लिए आज से वो तमाम जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है। जो कथा कराने वाले जो आयोजन कमेटी के लोग हैं उन्होंने इस तरीके की व्यवस्था की हुई है, देश प्रदेश से जो आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाने वाला हर कोई जो आसानी से, सहूलियत से हाजिरी लगा पाए, इस कथा में उपस्थित हो पाए, उनके लिए विशेष व्यवस्था है। साथ ही साथ एक और अहम जानकारी हम आपको बता दें कि कथा सुनने वालों को किसी भी प्रकार की कोई शुल्क राशि नहीं देना है। किसी प्रकार की असुविधा होने पर जो मठ कार्यालय के द्वारा जो आयोजन समिति के लोग हैं उनसे आप सीधी शिकायत कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों में नहीं जाना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। कथा के लिए, कथा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार की शुल्क नहीं देना है, ये व्यवस्था और इस तरीके के प्रचार प्रसार जो आयोजन समिति के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर के दरबार में अगर आप हाजिरी लगाना चाहते हैं, बाबा बागेश्वर के दरबार में आप पहुंचकर कथा सुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क, टोकन या रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है। किसी भी कथा सुनने वाले श्रोता जो होंगे उन्हें जाने के लिए जो रास्ते हैं वहाँ पे आपको जो सहयोग करने वाले जो मठ और उसके आस जो कथा समिति के आयोजन करता है वो आपको मिल जाएंगे, और कथा समिति में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर आप वहाँ काम करना चाहते हैं, सेवा दल के रूप में वहाँ काम करना चाहते हैं, जो सेवा दल के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सूचना है कि वो अपने आधार कार्ड की एक कॉपी, एक फ़ोटो कॉपी के साथ मठ में ले जाकर जमा कर दें, जिससे आपका एक पहचान पत्र बन जाएगा, जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। ना कि यह पहचान पत्र कथा सुनने वाले लोगों के लिए है बल्कि ये केवल व्यवस्था बनाए रखने वाले लोगों के लिए है। तो ये तमाम जानकारी दी जा रही है, जो कलश यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं केवल ये शुल्क उन्हीं के लिए है, और वो भी उनको पहले से रजिस्ट्रेशन करानी होगी, तब वो कलश यात्रा के जो सामान है वो उनको मुहैया कराई जाएगी, ये शुल्क उसके लिए उनसे लिया जा रहा है।
तो तमाम जो व्यवस्था है वो जो हनुमंत कथा कमेटी के जो लोग हैं तरेत मठ के, उनके द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। और तमाम जानकारी के साथ एक और सूचना दी जा रही है कि किसी भी प्रकार के अफवाह में नहीं रहें, किसी भी प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम से जुड़े हुए विवादित टिप्पणियों में नहीं पड़े, किसी भी प्रकार के विवादित शब्दों से खुद को दूर रखने का सलाह भी जो बाबा बागेश्वर जो कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा अपील की जा रही है। तो ये सूचना जनहित में जारी है। साथ ही साथ बाबा बागेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाने वाले तमाम श्रद्धालुओं से ये आग्रह किया जा रहा है और उनके लिए यह विशेष सूचना भी है कि कोई भी बाबा के दरबार में बिना रजिस्ट्रेशन बिना किसी शुल्क के 13 से 17 मई तक जा सकते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।